से मैं जो सड़क है और इसके जो ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिजली के तार, पानी के पाइप, ये सब अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। स्वाभाविक रूप से और पेडेस्ट्रियन मार्केट जम्मू में शायद ये पहला बना है और मुझे लगता है कि इससे यहाँ के व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है, सस्टेनेबिलिटी को का व्यापक रूप से लाभ होने वाला है। रघुनाथ बाजार का काम भी शुरू हो गया है, फरवरी में उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। रेजिडेंसी रोड की प्रोजेक्ट भी सैंक्शन थी, वहाँ के स्थानीय नागरिक ने न्यायालय से एक स्थगन आदेश लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्थगन आदेश जो अधिकारी वहाँ काम किए जाएँ, तक 85 काम पूरे किए जा सकते हैं, 39 काम आने वाले दिनों में जल्दी पूरे हो जाएँ। मुझे लगता है कि रियल सेंस में जम्मू स्मार्ट सिटी बने, यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़े, इसके लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट के कारण फिर से जम्मू लगता है इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा होगा, जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्वाभाविक रूप से टूरिज्म को गति मिलेगी। और अनेक काम ऐसे हुए, आज मैं बताऊँ, आप सब जानते हैं, चाहे वो TTD का मंदिर हो, लेजर शो हो, जू हो, तवी रिवर फ्रंट हो, अनेक इस तरह के काम हो रहे हैं जिसके कारण स्वाभाविक रूप से आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ी। सिन्हा सर, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि आपका एक बयान काफी सामने आया था, इसमें कहा था 80% तरीके से कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ लीजिए। मेरा कोई ऐसा बयान नहीं था, मैंने कहा था, किसी मीडिया हाउस ने मुझे बताया कि मैं घूम रहा था और लोगों ने ऐसी बात की तो मैंने आपकी बात कही थी। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ लें, ऐसा कुछ उनके बात पर प्रतिक्रिया देना। मैं चुनाव उम्र अब्दुल्ला काफी बार कर रहे हैं आपके बयान चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव में लड़ता रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा।